बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 नवंबर 2021 बरोज मंगल 4 रबीउल थानी बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो सऊदी अरब की खबरों के लिए, बदलते हालात पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात होने वाली है बहुत सी अहम खबरों की। बात होने वाली है गैर मुल्कियों की मक्का मदीना में प्रॉपर्टी की, घरेलू मुलाजमीन की बात होगी, अबशर खरूज दाखरूज नहाई फ्लाइट्स और दूसरी हम अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। खमीस मुशैद पर हौसियों के हमले की कोशिश नाकाम, ड्रोन तबाह कर दिया गया। अरब इत्तेहाद ब्राय यमन ने पीर को खमीस मुशैद पर हौसियों के हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया। सरकारी खबर सा एजेंसी एसपीए के मुताबिक सऊदी एयर डिफेंस ने बारूदी ड्रोन को रास्ते में रोककर तबाह कर दिया। इससे पहले अरब इत्तेहाद ने अलहदीदा के करीब हौसियों की बारूद से लदी एक कश्ती को तबाह किया, जिसे मुमकिन हमले के लिए तैयार किया गया था। गैर मुल्कियों को मक्का और मदीना मुनव्वरा में रियल एस्टेट फंड्स में सरमायाकारी की मशरूत इजाज़त दी गई। सऊदी कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने गैर सऊदियों को बिलवास्ता तरीके से मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अंदर वाक़ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की मशरूत इजाज़त दे दी है। गैर मुल्की मक्का और मदीना में जो प्रॉपर्टी है बराह रास्त खरीदने के मजाज नहीं होंगे, बल्कि ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड्स में सरमाया लगा सकेंगे जो फंड्स मक्का और मदीना में प्रॉपर्टी के मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मालिक होंगे। सरकारी खबर सा एजेंसी एसपी के मुताबिक कैपिटल मार्केट जो अथॉरिटी है उसने मालियाती इदारों को हदायत की है कि वो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा शहरों में वाक़ प्रॉपर्टी में सरमाया लगाने वाले फंड्स में सरमायाकारी लगाते वक्त प्रॉपर्टी के हवाले से गैर मुल्कियों के कानून मलकियत की पाबंदी करें। यही पाबंदी उस वक्त भी ज़रूरी होगी जब दोनों शहरों में सरमाया लगाने वाले इन्वेस्टमेंट फंड अपना कारोबार ख़त्म कर रहे होंगे। कैपिटल मार्केट अथॉरिटी का कहना है कि नए फैसले से मालियाती मार्केट को फ़रोग मिलेगा। कैपिटल मार्केट अथॉरिटी इस फैसले के हवाले से इन्वेस्टमेंट फंड के मौसर किरदार के बारे में बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता कर रही है। घरेलू मुलाजमीन के वापस ना आने पर क्या नया वीज़ा निकलेगा? सऊदी अरब में लाखों गैर मुल्की जो फैमिली ड्राइवर हैं या घरेलू मुलाजिम के तौर पर काम करते हैं, इनमें कई लाख मुलाजमाएँ भी शामिल हैं। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कभी कभार अपने वतन छुट्टी गुजारने के लिए जाते हैं और वो खुरूज उदा यानी एग्जिट एंट्री वीज़े पर जाते हैं। बाज़ुकात छुट्टी उनकी गुजर जाने के बावजूद वो वापस नहीं आते। तो आपको बताते चलें कि जो कानून के मुताबिक फैमिली ड्राइवर या घरेलू मुलाजमीन या मुलाजमाओं का जो छुट्टी वीज़े की मियाद ख़त्म होने के बाद कफील नया वीज़ा जारी करना चाहता है, उसमें कानूनी रुकावट क्या पेश आती है? महकमा पासपोर्ट से जब इस हवाले से जो मुकामी शहरी है उसने सवाल किया तो घरेलू ड्राइवर के सऊदी अरब से खुरूजदा लगवा कर वो वतन गया था, वापस नहीं आया, तो इस हवाले से क्या करना चाहते हैं? और उनका कहना था कि वो नया वीज़ा जारी कराना चाहते हैं। महकमा पासपोर्ट ने वाज़ेह किया है कि अगर कोई भी फैमिली ड्राइवर या घरेलू मुलाजिम या मुलाजमा खुरूजदा पर अपने वतन गया हो तो ऐसी सूरत में उसके वीज़े की मियाद मुकम्मल होने पर 6 माह गुजरने की सूरत में किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं रहती। ऐसे घरेलू मुलाजमीन और मुलाजमाओं का रिकॉर्ड सिस्टम से ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक अगर कोई शहरी इसकी जगह नया वीज़ा जारी कराना चाहता हो तो ऐसी सूरत में वीज़े की मियाद ख़त्म होने के 30 दिन बाद महकमा पासपोर्ट से रजू करके सिस्टम से उसका रिकॉर्ड ख़त्म कराया जा सकता है। ट्रैफिक खिलाफवर्जी पर गिरफ्तारी होगी तो जमानत के लिए कार्रवाई करनी होगी अबशर के जरिए। अबशर प्लेटफॉर्म ने कहा है कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की आइंदा ट्रैफिक खिलाफवर्जी पर होने वाली गिरफ्तारी पर जमानत की कार्रवाई ऑनलाइन कर सकेंगे। इस हवाले से जमानत की ऑनलाइन कार्रवाई के बाकायदा शराइत और जवाबत जारी कर दिए गए हैं। आज वेबसाइट के मुताबिक वजीर दाखिला ने ऑनलाइन कार्रवाई में तोसी के प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है। उनमें से एक का ताल्लुक ट्रैफिक जमानत की ऑनलाइन कार्रवाई से भी है। ऑनलाइन कार्रवाई के लिए जमानत के हवाले से शराइत रखी गई है। शराइत में शामिल ये है कि कार्रवाई करने वाला शख्स सऊदी शहरी हो, उसकी 18 साल से ज्यादा हो, सऊदी अरब के अंदर मौजूद हो, एक्टिव अबशर अकाउंट रखता हो और मतलूब बैन की फहरिस्त में शामिल नहीं होना चाहिए। इंसदाद बदउनवानी अथॉरिटी के तहकीकाती दौरों में 172 अफराद जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सऊदी अरब में एंटी करप्शन अथॉरिटी ने तफ्तीश के दौरान सरकारी इदारों में माली और इंतजामी बदउनवानी से मुतालिक जराइम में मुलविस 172 अफराद की गिरफ्तारी का ऐलान किया है। अल अखबारिया न्यूज़ में जारी होने वाले एक मजमून के मुताबिक एंटी करप्शन अथॉरिटी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर की गई एक पोस्ट में कहा कि गुज़श्ता 1 माह में 6061 तफ्तीशी छापे मारे गए और 512 अफराद के खिलाफ तहकीकत की जो इंतजामी और माली करप्शन में मुलविस हैं। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर खुराक लगवाने के 5 फायदे क्या हैं?
वज़ारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज के 5 अहम फ़ायदे बयान किए हैं। आज वेबसाइट के मुताबिक तर्जमान का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज महफूज है, इसके लेने में किसी तरह का कोई भी ख़तरा नहीं। तर्जमान सेहत ने कहा, बूस्टर डोज माशरे को वायरस से महफूज तर बनाने के लिए नागजीर है। बूस्टर डोज से मुतलिक तबी जायजों में ये बात बताई गई है कि कोरोना वैक्सीन से निमटने के लिए बूस्टर डोज ज़रूरी है। बूस्टर डोज कोरोना वायरस से बचाव और अमवात की तादाद कम करने में बेहद मुअसर है। अब्दुल्लाली ने मजीद कहा कि बूस्टर डोज लगवाने से लोगों का मुज़ाहमती निज़ाम बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। इसके अलावा अब्दुल्लाली ने इत्मीनान दिलाया, नई कैटेगरी के लिए फाइजर वैक्सीन की दरामद का आगाज़ कर दिया गया है। वजारत सेहत ने इससे पहले ऐलान किया था कि 5 से 11 साल के बच्चों और बच्चियों को फाइजर वैक्सीन दी जाएगी। वजारत सेहत के तर्जमान ने तमाम लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त की कि वह वैक्सीन जल्द से जल्द हासिल कर लें। उन्होंने कहा, बेशतर नाजुक केसर उन लोगों के हैं जिन्होंने वैक्सीन की तमाम खुराकें मुकम्मल नहीं की होती। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि फाइजर वैक्सीन 5 से 11 साल के बच्चों और बच्चियों के लिए मुअसर और महफूज है। वजारत सेहत के तर्जमान का कहना था कि मुआशरे के बाद लोग वैक्सीन की डोजेज मुकम्मल करने या खुराक लेने के सिलसिले में तरद्दुद का शिकार हैं। जब तक तमाम लोग वैक्सीन की मतलूबा डोज नहीं लेंगे, मुआशरे को कोरोना वबा से महफूज नहीं बनाया जा सकता। अबशर के जरिए अब सऊदी अरब वापसी का इंदराज भी मुमकिन है। ई प्लेटफॉर्म अबशर ने ऐलान किया है, अब सऊदी अरब आमद का इंदराज भी अबशर के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है। नए सिस्टम के तहत सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की और विजिट वीज़ों पर आने वाले सऊदी अरब आने से कम 72 घंटे पहले कोरोना से मुतल्लिक सेहत मालूमात का इंदराज ऑनलाइन कर सकेंगे। ये सहूलत हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बड़ी सरहदी चौकियों पर इमिग्रेशन की कार्रवाई में आसानी पैदा करने के लिए फ्राहम की जा रही है। आपको बताते चलें, अबशर ने तवज्जो दिलाई है कि इस सहूलत से जिन कैटेगरीज को फ़ायदा होगा उसमें सऊदी शहरियों के साथ आने वाला घरेलू अमला, वैक्सीन याफ्ता विजिटर्स और इसके अलावा जो है इलाज के लिए आने वाले विजिटर्स, गैर वैक्सीन याफ्ता जो रेजिडेंट्स हैं, उसके अलावा वैक्सीन याफ्ता जो मुकीम गैर मुल्की हैं और बगैर वैक्सीन वाला गैर मुल्की। अबशर ने तवज्जो दिलाई कि इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए अबशर प्लेटफॉर्म के मेन पेज पर जाएँ। इस सहूलत तक रसाई हासिल करने के लिए उसके बाद कदूम प्लेटफॉर्म का रुख करें, जहाँ एंटर होने के लिए आपको किसी भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। खरूज अदा पर जाने वाले का क्या खरूज रहाई मुमकिन है? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात से सवाल का सिलसिला जारी है। ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स की जानब से पूछा गया कि खरूज अदा पर गए हुए शख्स का क्या खरूज रहाई लग सकता है। जवाजात की जानब से बताया गया इकामा कवानीन के मुताबिक ऐसे लोग जो छुट्टी पर सऊदी अरब से बाहर मौजूद होते हैं उनका खरूज रहाई उस वक्त तक नहीं लग जाता तब तक वो लोग सऊदी अरब में मौजूद हों और ना ही उनका हरूब लग सकता है, और ये सब होने के लिए उनका सऊदी अरब के अंदर होना ज़रूरी है और का इकामा भी वैलिड होना चाहिए। मजीद बताया गया कि खुरुजौदा पर जाने वाले लोग जब सऊदी अरब की सरहद पार करते हैं यानी अबूर करते हैं और इमिग्रेशन के काउंटर से गुजर जाते हैं तो उस सूरत में उनका जो स्टेटस होता है वो सिस्टम के अंदर बिरूने मुल्क का जाहिर होता है। इस सूरत में जवादात का जो सिस्टम होता है वह खरूज नहाई को या हरूब को इन चीज़ों को कबूल नहीं करता। जवादात के मुताबिक वो लोग जो खरूज नहाई पर जाते हैं और वक्त मुकर्रा पर वापस नहीं आते उनका इकामा ख़त्म करने के लिए जवादात ने ऑप्शन दी है वह है खुरूज वलमियाज, यानी कि छुट्टी पर गया और वापस ही नहीं आया। ये ऑप्शन पर अगर आपका कफील आपको डाल देता है तो इसमें आप पर 3 साल की पाबंदी होती है। 3 साल तक आप उसी कफील की उसी कंपनी के पुराने वीज़े पर आ सकते हैं, किसी दूसरे वीज़े पर नहीं। लेकिन इसे फैमिली वीज़े पर मुकीम जो गैर मुल्की की फैमिली होती है, मुराफकिन होते हैं, वो इस जो बैन होता है जो इस कैटेगरी है उसमें नहीं आते। खुरूज अदा पर गए हुए मुराफकिन का इकामा कैंसिल कराने के लिए खुरूज वलमियाज का ऑप्शन इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका ये है कि जैसे ही 6 माह की मुद्दत गुजरे स्पॉन्सर कैंसिल जो इकामा है वो कराने का हक रखता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाजा से एक और सारिफ की जानब से ये भी पूछा गया कि शोभा तालीम से ताल्लुक़ रखने वालों को बराह रास्त आने की इजाज़त दी गई है, मैं भी जो है वह स्कूल की एक जो टेक्निकल स्टाफ से ताल्लुक़ रखता हूँ। सवाल का जवाब देते हुए बताया गया मुतलका इदारे की जानब से शोभा तालीम से ताल्लुक़ रखने वालों को आने की इजाज़त दी जा चुकी है और जो शोभा तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले सऊदी अरब आने के बाद उनको करंतना की पाबंदी करना होगी। और उनका यह भी कहना था कि दरसो तदरी से ताल्लुक़ रखने वाले उसाज़ा, लेक्चरर, इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखने वाले अहलकारों के अलावा यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम जो तुलबा भी हैं स्कॉलरशिप पर वो भी डायरेक्ट आ सकते हैं। याद रहे तालीम के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे लोग जिन्होंने सऊदी अरब के जो सऊदी अरब में वैक्सीन की खुराकें मुकम्मल की होंगी या रवानगी से पहले एक वैक्सीन भी लगवाई होगी उनको करंतना की पाबंदी से इस्तस्ना करार दिया गया है। करंतना की पाबंदी से मजकूरा ज़ुमरों में शामिल अफराद की फैमिली भी उसमें मुस्तस्ना होगी।
1,40,000 जो है वो उससे ज़्यादा नशावर गोलियां जब्त कर ली गई, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी महकमा इंसदाद मंशियात के तर्जुमान मोहम्मद अल नुजैदी ने कहा, मंशियात स्मगल की कोशिश नाकाम बनाकर 1,40,200 नशावर गोलियों को जब्त कर लिया गया। औकात अखबार के मुताबिक तर्जुमान ने कहा, महकमा इंसदाद मंशियात के अहलकार नशावर गोलियों की स्मगलिंग और इस्तेमाल के इंतजाल के लिए गैर मामूली इकदाम कर रहे हैं। तर्जुमान ने बताया कि 3 सऊदी शहरी और विजिट वीजे पर आए हुए शामी को जद्दा में शक की बुनियाद पर रोका गया था, तलाशी लेने पर उनके कब्जे से नशावर गोलियां बरामद हुई। तर्जुमान के मुताबिक 4 मुल्जमान को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। सहराई बकरों की तादाद अरब रेगिस्तानों में बढ़ने लगी। सऊदी अरब में पाए जाने वाले खास नस्ल के सहराई बकरे अब यहाँ मौजूद सहराई इलाकों में वापस नजर आ रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ने लगी है। माजी में इसके गैर मामूली शिकार के बायस ये खास नस्ल जो है वो मादूदियत के दहाने पर पहुंच चुकी थी। अरब न्यूज़ के मुताबिक सदियों से ये खास नस्ल के सहराई बकरे जजीरा नुमा अरब को अपना घर बनाए हुए हैं। सऊदी अरब और खलीजी रियासतों के सहराई इलाकों में गुज़श्ता चंद दहाइयों में इस जानवर को मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा। इस खूबसूरत जानवर की तादाद को महफूज रखने की कोशिशें उन्हें सहरा में वापस छोड़ने से बावर साबित हुई हैं। सऊदी अरब में नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट के रिसर्च एंड ब्रीडिंग सेंटर के जो है उन्होंने बताया कि इस खास नस्ल के बकरों को महफूज करने में हमारे तजर्बात ने दुनिया को मुतासर किया है। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस मुसलसल 50 से कम। सऊदी अरब में पीर 8 नवंबर को कोरोना के 50 से नए कम जो है वो केसेस सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद में भी कमी वाकई हुई है। पीर को सरकारी खबरसा एजेंसी SPA ने वजारत सेहत की जानब से जारी बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 43 नए मरीज सामने आए, जबकि 75 अफराद सेहतयाब भी हुए। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना का मजीद एक मरीज चल बसा, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8,805 हो गई है। रियाद में दुनिया की नादर और कीमती घड़ियों की नुमाइश। फैशन कमीशन के तहत रियाद में दुनिया की नायाब और कीमती घड़ियों की नुमाइश होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक 11 से नवंबर तक ये नुमाइश जारी रहेगी। कमीशन ने कहा, नुमाइश सऊदी शहरियों को दुनिया की नादर नायाब के अलावा कीमती घड़ियाँ भी देखने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ आपको बताएंगे, ताइफ के जबल दका पर बर्फ की सफ़ेद चादर तन गई। ताइफ़ के अलशिफा के इलाके में दक्का पहाड़ पर गुज़श्ता रोज़ होने वाली बर्फबारी ने हर तरफ सफ़ेद चादर बिछा दी है। अरेबिया के मुताबिक पहाड़ी चोटियां, रास्ते और अरर के सब दरख्तों को भी सफ़ेद बर्फ ने ढांप लिया है। मुकामी फोटोग्राफर ने अलशिफा के इलाके में बर्फबारी के मनाजर अपने कैमरे में महफूज किए। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मजीद खबरों के लिए आप शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।